हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं फ्रेंड बहुत अच्छी हूँ। जैसे कि आप को बताइए, सब वापस आ चुके हैं, हम दिल्ली वापस आ गए हैं चंडीगढ़ से। ऑपरेशन बिल्कुल सही हो गया। घर में इतना गंद फैल रखा है, मैं बता नहीं सकती। कुछ तो ऊपर काम चल रहा है, तो ऊपर का काम अभी बंद था। एक दो दिन में मिस्त्री आज शायद आ जाएंगे। तो अभी थोड़ी बहुत डस्टिंग कर रही हूँ, ज़्यादा मेरे से नहीं हो पा रहा क्योंकि इनका भी ध्यान रखना पड़ता है सारा। तो अभी जितनी थोड़ी बहुत डस्टिंग होती है मैं उतना ही करूँगी, ज़्यादा नहीं कर रही हूँ। और थोड़ी थोड़ी डस्टिंग हर घर के कोने की करूँगी जितनी हो पाएगी। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर घर की डीप क्लीनिंग करेंगे, क्योंकि घर के काम चल रहा है ऊपर। तो सारा जितना भी बुरादा होता है लकड़ी का, वो सब नीचे ही आ रहा है, क्योंकि ऊपर सीढ़ियों से नीचे जाते हैं। तो जो भी बच्चे जाते हैं, मैं जाती हूँ, तो वो पैरों के चप्पलों के साथ नीचे ही आता सारा बुरादा, उड़ के भी आता है। उसकी वजह से ना गर्मी चुभता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हल्का फुल्का तो डस्ट कर ही रही हूँ सारे घर में। तो जितना हो पाता है उतना उतना करती जा रही हूँ। तो चलो, आगे टाइम मिलेगा तो फिर डीप क्लीनिंग करेंगे। अभी मैं कर रही हूँ अपने ड्राइंग रूम की हल्की फुल्की डस्टिंग। हल्की फुल्की बोलूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा आप दीवारों पर भी बहुत डस्ट फैल रखी है। तो काम ख़त्म होगा उसके बाद ही डीप क्लीनिंग होगी। चलिए जी, थोड़ा बहुत हो गया, अभी चलना है हमने अंदर। बेडरूम की भी क्लीनिंग करनी है। आहिस्ता आहिस्ता सारे काम करूँगी। टेबल क्या हर चीज़ पे डस्ट ही डस्ट फैल रखी है। लक्ष्मी आती है लेकिन वो सिर्फ झाड़ू पोछा लगा के जाती है, डस्टिंग नहीं करती है। तो डस्टिंग मैं शुरू से खुद ही करती हूँ। तो चलिए कोई बात नहीं, डस्टिंग तो कर लेती हूँ। अब थोड़ा सा सेटिंग करके रख दी, जब लक्ष्मी आएगी तो झाड़ू पोछा वो लगा देगी। तब तक मैं कर्टन और अपना सोफे वगैरह कुशन वगैरह डस्टिंग करके, तो आज बेडशीट भी चेंज करनी है मुझको। तो पहले मैंने ये ड्राइंग रूम को क्लीन कर दिया, कोई आ जाता है तो अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ काम, जितना संभव हो रहा है मेरे से, जितना हो पा रहा है। क्योंकि काफ़ी दिन से मेरी नींद वगैरह ही पूरी नहीं है। हॉस्पिटल में था, पूरा आराम था, पर नींद तो अपने घर आके पूरी होती है। अब ये देखिए टीवी के पीछे, हमारा टीवी भी चलना बंद हो गया। पीछे से टीवी को पता नहीं क्या हो गया, ख़राब हो गया। सब चेक करके देख लिया, नहीं चल रहा। तो पीछे देखा तो बहुत सारा गंद था, डस्ट था बहुत ज़्यादा। तो मैंने इसको सारी वायर वगैरह हिला के देख लिया, कुछ भी नहीं चल रहा और स्विच ही नहीं ऑन हो रहा टीवी का। तो इसलिए लगता है टीवी भी नया लेना ही पड़ेगा, इसमें लाइंस भी आने लगी थी। तो अभी देखते हैं, शायद टीवी नया लेना पड़े। तो चलिए देखते हैं क्या होता है, ठीक करवाते हैं, नया लेते हैं। कुछ अभी आइडिया नहीं है मुझे, जब आएगा बेटे देखेगा तो पता लगेगा। ये देखिए जी, पूरे हरे भरे पड़े हैं मेरे पौधे। भाभी को नीचे बोल के गई थी, उन्होंने बहुत अच्छे से मेरे प्लांट्स का ध्यान रखा है। और तुलसी जी बिल्कुल सही हैं, बाकी पौधे बिल्कुल ठीक है, हरे भरे हैं। तो देख के अच्छे तो जाती हूँ, कई बार कई पौधे सूख जाते हैं, तो इस बार तो कोई नहीं सूखा, सभी हरे भरे हैं। कुछ बारिश थी, कुछ भाभी ने भी काफ़ी ध्यान रखा पौधों का। तो ये तो मेरे, इसकी बहुत टेंशन रहती, मैं जाती हूँ बाहर तो पौधों की बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, मुझे पौधे सूख ना जाएं, उनको पानी मिलेगा नहीं मिलेगा, सबसे बड़ी टेंशन होती है। तो मैंने दो दिन के बाद पानी दे रही हूँ इनको। तो ये देखिए, ये सारे पौधे नहला भी रही हूँ, क्योंकि इतनी दूर तक बारिश नहीं आती ना, आगे आगे आती है, क्योंकि काफ़ी पीछे तक है हमारी बालकोनी ये। तो पौधों को नहला रही हूँ अच्छे से, भी डस्ट वगैरह है वो निकल जाएगी। तो पौधे तो हरे हरे अच्छे लगते हैं देखने में, कितने सुंदर लग रहे हैं हरे। अभी जैसे बोला, हर सारे घर के एक कोने में डस्ट गंद, सारा घर बिखरा पड़ा है, ऐसे इन पौधों का भी यही हाल है। तो इनका भी टाइम आएगा, अभी मैंने बहुत लंबा सोच रखा है, अभी इसकी मेकओवर करना है, बालकोनी का भी करना है, ऊपर नीचे दोनों का करना है। तो सोच तो काफ़ी टाइम से देख रही हूँ, पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बीच में आ ही जाती है। चलो, जब इसका टाइम आएगा तभी आएगा। तो अभी तो फ़िलहाल पौधों को पानी डाल दूँ अच्छे से, तो नहीं तो सूख जाएंगे ये भी। ये होने के बाद तो अभी काम तो बहुत पड़ा, खाना बनाना है, तो बच्चे भी आ जाएंगे जल्दी। तो ये हो गए पूरे, हमारे पानी का काम तो ख़त्म होने वाला है। ऊपर तो मैं जाती हूँ, जिस दिन कपड़े धोती, वैसे प्लांट रखे हूँ ऊपर, जो मुझे हफ्ते में के दो बार पानी देना होता है उनको ऊपर की बालकोनी में। तो उस दिन जब जाती हूँ तो कर लेती हूँ उधर। तो अब लक्ष्मी आएगी, गैलरी वगैरह भी धो देगी। चलिए जब चलते हैं बेडरूम की तरफ, बेडशीट चेंज करनी है। तो दो तीन दिन हो गए, तीन दिन हो गए थे बेडशीट चेंज नहीं हुई है। तो अभी क्योंकि सारे दिन बेड पे रहते हैं तो थोड़ी गंदी हो ही जाती है बेड, खाना पीना भी इनका बेड पे ही चल रहा है। अभी इनको चेयर पे बिठा दिया मैंने, तो इसको चेंज कर देती हूँ पहले, बाकी के काम बाद में। थोड़ा डस्ट भी मैंने पीछे से बेड को क्लीन कर दिया था, ये पुरानी चादर बिछी हुई थी उसके साथ ही।
अभी इसको उतार के नई बेडशीट चेंज करूँगी इस पर। नई नहीं सॉरी धुली हुई, नई का मतलब होता है धुली हुई चादर, नहीं तो हर वक्त नहीं बिछा सकते। कभी दिन त्यौहार आता है, कोई फंक्शन तो नहीं लेके आते हैं बिछाते हैं, तो अभी तो पुरानी धुली बेडशीट में चेंज कर रही हूँ अभी। तो ये कॉटन की भी छाती ज़्यादातर अच्छी भी लगती हैं, और मैंने बड़े वाले कुशंस भी चेंज कर दिए कवर वगैरह। थोड़ा सा कमरा देखने में खुद को अच्छा लगता है, क्योंकि सारे दिन इसी कमरे में ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है। सभी यहीं पे आते, कोई भी आता है ये तो बाहर नहीं जाते उठ के, तो जो भी कोई आता है पता लेने के लिए, इनका हालचाल पूछने के लिए, तो बेडरूम में ही आते हैं। तो बेड क्लीन होना ही चाहिए, वैसे भी होना चाहिए। मैं वैसे हफ्ते में दो बार बेडशीट चेंज कर ही देती हूँ, लेकिन अब हफ्ते में तीन बार हो गया, क्योंकि जैसे बताया खाना पीना सब बेड पे हो रहा है इनका। चलिए ये देखिए जब हो गया ये क्लीन, शिवानी बैठी है, अब ये जा रहे हैं अपनी जगह पर। इनकी जगह वही है, इनके साइड टेबल पे दवाइयाँ पानी जो इनको चाहिए वो रखा होता है मेरा। और लक्ष्मी भी आ गई है, उसने कर दिया झाड़ू लगा दिया, पोछा भी लगा देंगी। तो ये भी सारा कमरा मेरा बिल्कुल क्लीन हो चुका है, थोड़ा थोड़ा डस्टिंग भी हो चुकी है इसकी, तो ड्राइंग रूम भी क्लीन है, सारा काम हो चुका है। अब चलते हैं किचन की तरफ, कि शिवानी को मैंने दे दिए, ये रात को ही मैंने राजमा भिगो के रख दिए थे, ये सुबह उठ के बना लूँगी इनको। तो ये पानी मैंने रख दिए थे एक तरफ उबलने के लिए राजमा, और साथ के साथ इसका तड़का लगा रही हूँ, शिवानी में कट करके रख दिए थे, तो ये तड़का भी लग जाएगा। तो ये मुझे 11 बजे से 12 बजे से लेके 2 बजे तक का ही काम होता जा रहा, क्योंकि लक्ष्मी मेरी 12 बजे ही आती है काम पे, तो तभी होता है मेरा ज़्यादा काम। तो अपना ब्रेकफास्ट वगैरह बड़े ईजिली आराम से हम सभी इकट्ठे बैठ के करते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं होती मुझे काम करने में, क्योंकि किसी ने आना नहीं, बेटा ही जाता है तो वो अपने टाइम पे आता है, तब तक हमारा लंच तैयार होता है। अभी हस्बैंड नहीं जा रहे घर पे हैं, तो आराम से लंच ब्रेकफास्ट डिनर सब आराम से बनता है, कोई जल्दबाजी नहीं है। गर्मी अब तो कम हो गई है, बारिशें पड़ रही हैं, लेकिन चिपचिपाहट वैसे ही है, तो अभी तो वो चलेगी, अक्टूबर तक ऐसे ही चलेगा, नवंबर में जाके थोड़ा मौसम सही होगा तो ठीक लगेगा। अभी गर्मी कभी सर्दी ये चलती रहना, तो अभी मैंने बेसिक मसाले जोन से डालने हैं, तड़का लगा के उसके अंदर डाल रही हूँ, नमक मिर्च मसाला हल्दी और धनिया पाउडर, ये हो गया सारा। तो साथ में थोड़े से चावल बनाऊंगी, इनको तो ये तो कम ही खाएंगे, इनके लिए रोटी बन जाएगी और हम सभी चावल खाएंगे। अगर इनको थोड़े से लेने होंगे तो ले लेंगे। तो ये देखिए ये सारा तड़का बन गया, अब इसके अंदर थोड़ी सी मैं कस्तूरी मेथी डाल दूँगी, थोड़ा टेस्ट बढ़ जाता और अच्छी भी लगती है मेथी डाली हुई। मैंने सुखा के रखी हुई है, ये सुखाया धनिया सुखाया हुआ है, मेथी सुखा रखी है, कड़ी पत्ता सुखाया हुआ है, ये सब चीज़ें जब जरूरत पड़ती है तो मैं निकाल के यूज़ कर लेती हूँ। तो मैं तो वो लेके ना धनिया जब आती है, मेथी आती है हरी सर्दियों में, तो उसको धो के अच्छे से सुखा के रख लेती हूँ, अगर ख़त्म हो जाती है तो मार्केट से मिल जाती है, वो भी ले आती हूँ। इधर राजमा हमारे बिल्कुल बन चुके हैं, उसकी सीटियाँ बच चुकी हैं, तो अभी ये करके तड़का उसके अंदर डाल के फिर बर्तन साफ़ हो जाएंगे, एक साइड में चावल रख दूँगी, फिर चपातियाँ बना रोटी बना लूँगी, फिर हमारा किचन का काम ख़त्म हो जाएगा, लंच में हमारा तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स मैं लगभग 12 बजे लगी थी, तो 2 बजे के करीब मेरा काम ख़त्म हो गया। ये देखिए जी ये बैठे हैं, इनको भी अपने यहाँ न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ये इनको न्यूज़पेपर हमेशा सुबह ब्रेकफास्ट के साथ ही पढ़ते हैं, ये इनके पढ़ना ही पढ़ना जो मर्जी हो जाए, तो ब्रेकफास्ट के साथ ही, अभी ब्रेकफास्ट हो चुका है, बाद में बैठ के आराम से अभी पढ़ रहे हैं। तो मैं अपना किचन में काम कर रही हूँ, तो इधर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं ये, सॉरी ब्रेकफास्ट तो हो चुका है, अपना न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, क्योंकि टीवी भी नहीं चल रहा, तो इनको न्यूज़ का काफ़ी शौक़ रहता है, टीवी में सिर्फ ही न्यूज़ ही सुनते हैं ज़्यादातर, तो अभी न्यूज़पेपर चल रहा है। टीवी भी देखो ऑर्डर कर दिया बेटा, कहता है मैंने नया, तो वो भी आ जाएगा। तो इधर राजमा भी उबल चुके हैं, इसके अंदर डाल के राजमा, तो हमारा ये काम हो जाएगा। कुछ अभी कैमरा मेरा सेट नहीं हो पा रहा है, तो कैमरे को सेट करना पड़ रहा है मुझे बारी बारी। चला जी मसाला भी बन गया, तड़के चले गए राजमा के अंदर तड़का, तो ये हमारी सब्जी लगभग रेडी है। तो ये टमाटर थोड़ा सा पानी है, मिक्सी में लगा हुए थे टमाटर, तो ये भी इसके अंदर डाल दूँगी, तो काम हमारा काफ़ी हद तक हो गया।
सेकंड। आराम से प्यार से हम काम करते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं मैं करती हूँ भी, फटाफट मुझे इतने बजे तक काम ख़त्म करना है या अर्ली मॉर्निंग ख़त्म करना है या मुझे कहीं जाना नहीं। मेरी जैसी रूटीन है अपना, सारा दिन तो घर पे ही रहना होता, कहीं जाना हो तो पहले से पता होता हमें जाना है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं अपना काम ख़त्म करती हूँ। कोई मुझे ये नहीं, तो मुझे सुबह 5 बजे उठ के करना है या 4 बजे उठ के करना है, आराम से करती हूँ मैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। हाँ अगर जोर तो कहीं जाना है, किसी ने आना है तो फिर करना ही होता है, जल्दी उठ के काम ख़त्म, जाना है तो सारा काम ख़त्म करके जाना है, किसी ने आना है उनसे आने से पहले अपना खाना वाना बना के रखना सारा। चलिए ये तो सभी की रूटीन ऐसी ही होती है। तो अभी स्लैब साफ करके मैं तो अपना कर दूँगी। चावल मैंने भिगो के रखे हुए हैं, तो ये चावल है तो रख दूँगी अभी पहले बर्तन धो के, तो ये काम भी हमारा ख़त्म हो जाएगा साथ के साथ, लगभग कम ख़त्म ही हो जा रहा। टाइम तो किचन में लगता ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगता खाना बनाने में। तो ये देखिए करते हैं, अब 4-5 रोटी बनेगी, चावल रखती हैं, रोटी भी बन चुकी है, और अभी ये हस्बैंड के लिए फ्रूट काट के दे रही हूँ मैं, क्योंकि अभी उनको पपीता फ्रूट बोला ही हुआ है खाने के लिए। ये दो चीज़ फ्रूट पपीता ये पनीर वगैरह ये इसी टाइम देती हूँ, क्योंकि हजम हो जाता है ना फिर रात तक उनको प्रॉब्लम होती है। पनीर मैंने पहले कट करके दे दी, तो ऊपर काला नमक और काली मिर्च डाल के तो वैसे खा लेते हैं। अब बच्चे खा रहे हैं खाना, तो मैं और हस्बैंड थोड़ी देर में खाएंगे। अगर फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, और जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखिए फ्रेंड अब मैं करूँगी रेस्ट, मैं थक चुकी हूँ, अभी फिर शाम के टाइम कंघी उंगी करके फिर तैयार रेडी होंगी। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग 12 बजे से लेके 2 बजे तक का। फ्रेंड्स कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए दिन नया वीडियो, तब तक सबको बाय बाय एंड जय माता दी। अपना खूब सारा ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।